बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएस हाई स्कूल। आज हम क्लास टू इंग्लिश मीडियम की साइंस पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर नंबर 14 है। हम साइंस का यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, एनिमल एंड देयर शेप, जानवर और उनकी अशकाल। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानवरों के बारे में, उनकी शक्लों के बारे में और उनके माहौल के बारे में पढ़ेंगे कि जानवर एक ही तरह के माहौल में नहीं रहते, बल्कि कुछ जानवर सर्द इलाकों में, कुछ गर्म इलाकों में, कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ परिंदे हैं जो हवा में उड़ते हैं और घोंसलों में रहते हैं, और इनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए पहले इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। एनिमल एंड देयर शेप, जानवर और उनकी शक्ल, इज डिफरेंट, मुख्तलिफ है, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। एनिमल एंड देयर शेप इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जानवर और उनकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एवरी Every animal survives his life, हर जानवर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, according to his environment, अपने माहौल के मुताबिक। यानी हर जानवर अपनी ज़िंदगी को अपने माहौल के मुताबिक गुजारता है। Animals have hair and skin on their body. जानवरों के जिस्म पर बाल और जिल्द होती है। These things, ये चीज़ें protect them, हिफाजत करती हैं, from enemies, दुश्मनों से, heat, गर्मी से, एंड कोल्ड और सर्दी से, एंड इट आल्सो एड ब्यूटी इन दम, और इनकी खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, जानवरों का कलर, रंग एंड स्किन और जिल्द हेल्प्स, मदद करती है, दैम उनकी, टू हाइड, छिपने में, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। सम एनिमल्स कलर एंड स्किन हेल्प्स देम टू हाइड फ्रॉम अदर्स, कुछ जानवरों का रंग और जिल्द दूसरों से छुपने में मदद देती हैं। सम सेम दिस पैरट, जैसा कि तोता, हैज़ ग्रीन कलर, सबज रंग का होता है, दैट्स वाई पैरट हाइड हिमसेल्फ, इसलिए तोता अपने आप को छुपा लेता है, इनटू ग्रीन कलर लीव्स, सब्ज रंग के पत्तों में। सो ही कांट सी इजीली, बस ये आसानी से दिखाई नहीं देता। सिमिलरली, इसी तरह से, ग्रास हूपर, घास का टीडा, हाइड्स हिमसेल्फ, हाइड्स छुपा लेता है, हिमसेल्फ खुद को, इनटू ग्रास, घास में, बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर, अपने सब्ज रंग की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक इसकी चैप्टर की रीडिंग करेंगे। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जानवर शक्ल के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, हर जानवर अपने माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, जानवरों के जिल्द पर बाल और खाल होती है, ये जानवर अपने आप को महफूज करते हैं अपनी जिल्द के की वजह से, दुश्मनों से, गर्मी से, सर्दी से, और इनकी जिल्द
इससे इनकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है। कुछ जानवरों का रंग उनकी जिल्द का रंग यानी इस तरह का होता है कि वो खुद को दूसरों से छुपा लेते हैं। जैसे कि तोता सब्ज रंग का होता है तो वो पत्तों में आसानी के साथ छुप जाता है। इसी तरह से ग्रास हॉपर भी ग्रीन कलर का होता है तो वो भी आसानी से अपने आप को घास में छुपा लेता है। यहाँ पर आप पैरट देख रहे हैं, ग्रीन कलर का है। ये ग्रास हॉपर है, ये भी ग्रीन कलर में है। तो ये दोनों अपने रंग की वजह से घास और पत्तों में आसानी के साथ छुप जाते हैं। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं तो हम नोट्स से वर्ड मीनिंग को याद करेंगे। हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, एनिमल्स एंड देयर शेप। आज हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। एनिमल्स, animals, मल्स, एनिमल्स जानवर, एनिमल्स जानवर, shape, शेप शक्ल, शेप शक्ल, another, एनदर एक दूसरे, एनदर एक दूसरे, sur सर, vi सर्वाइव, ves सर्वाइव्स बच जाना, सर्वाइव्स बच जाना, accor, अकॉर, ding, अकॉर्डिंग के मुताबिक, अकॉर्डिंग के मुताबिक, envir, invir, ont, invir, ment, meant, environment, माहौल, environment, माहौल, hair, hair, बाल, hair, बाल, hide, height, छुपना, height, छुपना, same, same, एक जैसा, same, एक जैसा, parrot, parrot, तोता, parrot, तोता, him, self, self, himself, खुद को, himself, खुद को, leaves, leaves, पत्ते, leaves, पत्ते, easily, easily, आसानी से, easily, आसानी से, grass, grass,